हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन डार्क वर्शिप। आई नो आप लोगों को मेरी वॉइस आज के एपिसोड में थोड़ी सी अलग आती रहेगी बिकॉज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो ये कैसा होगा। सो मुझे बताना कौन सा वाला बेटर था। लाइक आप लोग प्लीज़ ऑनेस्ट होकर बताना कि अभी वाली वॉइस मेरी अच्छी है या फिर मेरी पुरानी वीडियोज़ की वॉइस मेरी अच्छी है। ओके सो आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन्स थे, मुझे नहीं पता था। वेट लेट मी रन। एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग हमारे सुपर रिपेल को मार देंगे एंड गेस व्हाट, मैंने मेरे सारे जो यूज़ करने वाले आइटम्स हैं ना, जो कि मैं डेली यूज़ करता था, मोस्टली यूज़ करता था, मैंने उन सबको ऊपर ऐसे सॉर्ट करके रखा है। यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप लोगों को बस आपका स्टार्ट वाला बटन दबाना है और आगे पीछे करके रख सकते हो जहाँ पे चाहिए आपको। तो हम लोग सुपर रिपेल को पहले नंबर 1 पर रखा हूँ मैंने बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग उसका यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग लास्ट एपिसोड में ओमी से मिले थे। उसने हमारे साथ बैटल की, उसकी टीम काफ़ी डिसेंट थी और उसके बाद मैंने उसको हरा दिया और उसने मेरे को HM सर्फ दिया जो कि मैंने मेरे ग्रेनिंजा को सिखा दिया था। लेकिन मेरे से गलती हो गई थी, उसका वाटर पल्स मेरे को हटाना था लेकिन मैंने गलती से आई गेस कोई दूसरा मूव एक्स्ट्रा सेंसरी हटा दिया था। लेकिन डोंट वरी, मैंने उसका जो मूव है वो रिटर्न ला दिया, एक्स्ट्रा सेंसरी। मैंने रिटर्न जाके उसके साथ सब कुछ करके आया हूँ। सो या सो फार यही मेरी टीम है एंड आई नो आप लोगों को मतलब कुछ लोगों को ग्लिस्कॉर की लोकेशन चाहिए थी। तो गाइज़ मेरे को ये रोड 3 पे एट लेवल 14 गिलीगार मिला था या फिर ग्लाइगार मिला था, आई गेस ग्लाइगार बोलते हैं उसको। तो उसके बाद ऑब्वियसली इसको अगर आपको इवॉल्व करना है तो रेज़र फैंग ख़रीद लो एबेको सिटी के सेलेडॉन सिटी वाले लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर से। एंड हाँ, पता है मेरे को एक और चीज़ बतानी है। एबेको सिटी में जो पोकेमॉन सेंटर है ना, उसके अंदर जो पोकेमार्ट है, अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको पोकेमॉन्स मिलेंगे लाइक लिटरली ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स वो बंदा सेल कर रहा है। एंड गेस व्हाट, मैंने आई गेस 3 के 4 पोकेमॉन थे और मैंने चारों के चारों ख़रीद लिए हैं। तो अगर आपको आज की सेव फाइल यूज़ करनी आती है या फिर अगर आपको यूज़ करनी है तो कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्लस मैंने इसमें आपको एक चीज़ दी है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप लोग जब पोकेमॉन ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास इंसिनेरोर का जी क्रिस्टल है जिससे कि अपना जीमो सिग्नेचर जीमो यूज़ कर सकता है। नॉट ओनली दैट, मैंने हमारे स्नोरलैक्स के लिए भी उसका वो यूज़ करके रखा है, लाइक ढूंढ के रखा है स्नोरलैक्स का जी क्रिस्टल जो कि इसका गीगा इम्पैक्ट को बहुत तगड़ा बना देता है। लाइक इसका लिटरली उस अटैक का डैमेज 210 है। लाइक लिटरली आप लोग बिलीव कर सकते हो 210 वाला एक अटैक। बट ठीक है, मैं आई गेस काफ़ी फार फेच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ इसको। यहाँ से हम लोग सर्फ करेंगे, मैंने आई गेस ऑलरेडी यूज़ करके रखा है। यहाँ पे मुझे बैटल्स नहीं करनी किसी के साथ, देखेंगे करना क्या एक्चुअली यहाँ पे। यहाँ पे आने का कोई तो रीज़न होना चाहिए ना ऑब्वियसली। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। और डैम बच गया, मेरे को फाइट नहीं करनी थी। ओह यहाँ से रास्ता है ही नहीं। तो जाना कहाँ पे है? रिपेल एक और यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ओके यहाँ पे भी नहीं है, तो वही स्टार्टिंग वाली लोकेशन है। अब मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुका हूँ लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे क्या कर रहे हैं हम लोगों को। आई गेस यहीं पे कोई रास्ता हो सकता है जो कि हिडन है, हो सकता है ना, देयर माइट बी चांसेस। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे एक पोकी बॉल है जिसमें हम लोगों को मिला एक वेव इंसेंस। ओके नीचे रास्ता तो जा रहा है, तो वहाँ पे जाके मेरे को चेक करना है। एंड गाइस बताना आज के एपिसोड में कैसी वॉइस आ रही है। ओके बिकॉज इससे अगर आप लोगों को आज के एपिसोड की वॉइस पसंद आ रही है सो आई विल मेक श्योर कि ऐसी मेरी वॉइस हर रोज़ आएगी। यहाँ पे मेरे को क्या मिला K1 में, कौन से पोकेमॉन मिलेंगे? ग्राइमर है, क्वेक्सायर है, जो भी है, ग्रेवलर, पाल्पिटॉर्ड, यनमास्क, स्टंगफिश, फैनपी, मिनियोर, थ्रो, मॉर्पिको, आरबॉक, लार्विटार। ओके कोई नहीं, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे मैं बस धीरे से चला जाऊँगा, मेरे को बैटल्स नहीं करनी किसी के साथ। यहाँ पे कुछ है क्या यहाँ पे नीचे? आई डोंट नो। आई गेस इसके साथ बैटल करनी पड़ेगी मेरे को इसको देख के ना ऐसा लग रहा है कि इसके पास पॉइजन टाइप पोकेमॉन होने वाला है, बिकॉज मोस्टली जो भी बाइकर लोग होते हैं उनके पास या तो ग्राइमर, मक, यही सब पोकेमॉन देखने को मिलेंगे या फिर कोफिंग वगैरह भी हो सकता है। सो चलो देखते हैं। आई होप मेरी देखा पॉइजन टाइप तो है, देखा इतना तो मुझे पता है गाइस, इतना तो मतलब इतना तो तजुर्बा आ चुका है पोकेमॉन गेम्स खेल खेल के कि पता चल जाता है कि लाइक कौन से ट्रेंड के पास कौन से टाइप के पोकेमॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। अभी आ रहा है एक वो स्लोपोक, मैं यहाँ पे नया मूव सिखाया गार्डीवेयर को, उसको यूज़ करेंगे। आई मीन नया मूव सिखाया मैंने गार्डीवेयर को, उसको यूज़ करेंगे। एंड लेट मी यूज़ काम माइंड। साइकिक से कुछ हो ही नहीं रहा। लेट मी यूज़ मून ब्लास्ट। ओके, गार्डीवेयर का पता है स्पेशल अटैक 200 प्लस है, सो डेफिनेटली ये पोकेमॉन काफ़ी ब्रोकन होगा। ओह, यहाँ पे हम लोग ट्री को कट कर सकते हैं। यहाँ पे कट का तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक आइटम है जिससे हम लोग पोकेमॉन को मतलब कट यूज़ करने के लिए बना सकते हैं, ऐसा ही कुछ था। देखते हैं यहाँ पे ऊपर जाके क्या है। यहाँ पे बैटल नहीं करेगी ये। आई लुक नॉर्मल बट आई हैव क्रश ऑन फिशरमैन। ओके, गुड फॉर यू। ओह, ये कौन है? एबेमोस्नो। वेट वेट वेट, अगर मेरे को इसके साथ फ़ाइट करनी है तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ माई इंसिनरॉर बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। ओके, मैंने मैंने इसको कोपचे में धर लिया, तो अभी हम लोग लाइक इसको आई डोंट नो इसके साथ फ़ाइट करेंगे। मे बी लेवल 50 का है, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वाले मूव को, इसका डैमेज है 180, तो इसको हम लोग स्लो मोशन में एक्सपीरियंस करेंगे। इस मूव का नाम है, क्या नाम था मैं भूल गया, वेट अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैलिशियस मून सॉल्ट। देख सकते हो एक रिंग आ चुकी है बेसिकली, और ये कूद गया इसके ऊपर। डैम, कितना क्या एनिमेशन इसका, कितना ऑसम है। जीबीए गेम्स के लिए सही में लिटरली वन शॉट किल, नो डाउट। ओके, हरा दिया हम लोगों ने इसको। आई डोंट नो क्या इसको हम लोगों को कैच करना था, मुझे तो नहीं पता था, बट मैंने हरा दिया, कोई बात नहीं। रिपेल यूज़ कर लेंगे यहाँ पे एक और बार, और इस बार फिर से ट्री को कट करेंगे। एंड आई गेस दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेक द वाटर साइड ऑफ द एरिया। आई गेस यहाँ पे एक सीढ़ी तो है, उसको मेरे को चेकआउट करना है। ओ हाय नर्स जॉय, पोकेमॉन को हील करोगे मेरे? वैसे ज़रूरत तो नहीं थी बिकॉज सब ठीक ही था, लेकिन कोई बात नहीं। ओह, यहाँ पे एक और बैटल आ रही है, चलो करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने जानबूझ के इंसिनरॉर को आगे रखा है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन अ स्नो केव एंड ट्रेनर्स हियर आर गोइंग टू यूज़ ऑब्वियसली आइस टाइप पोकेमॉन्स। मैंने गलती से ये वाला मूव यूज़ कर लिया बिकॉज ये ओवरकिल है, लिटरली ओवरकिल है ये, बट कोई नहीं, नर्स जो है बाजू में ही है तो हम लोग हील कर लेंगे। एंड पता नहीं यार, मेरा गला बैठा है। आई गेस अभी ठीक हो गया। नहीं यार, अभी तो और बैठ गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है कभी कभी। गाइस प्लीज़ मुझे बताना कैसी लग रही मेरी वॉइस। आई नो कि ऐसी बातें मुझे शोभा नहीं देती, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, होता है, सबको कुछ ना कुछ होता है। आई एम कंसर्न अबाउट माई वॉइस। एंड पता है अभी जो मूव्स मैंने नहीं सिखाया हमारे ग्लिस्कॉर को, वो एक 1 शॉट किल वाला मूव था, बट उसका एक्यूरेसी बहुत कम होता है, लिटरली 30 एक्यूरेसी होता है, सो इट्स लाइक यूजलेस। और वो भी होता है कि आई गेस अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हो ना किसी ऐसे पोकेमॉन के ऊपर जिसका लेवल आपके पोकेमॉन से कम है, तो भूल जाओ, ये कुछ काम नहीं आएगा। ये क्या है? A trauma of Brazilian child not being able to make a snowman. Okay, obviously वहाँ पर गर्मी होती है। ओ, ये तो आई गेस कौन है ये? मैंने इसके पास एक चारिजार्ड है, और इसके पास एक क्या, ये अलान है। वेट मिनट, यू आर गोइंग टू कैप्री सिटी वेरेंट यू? आई एम सॉरी टू टेल यू बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी फार, यू वुड बेटर गिव अप। आई हैव बिन वॉचिंग यू विदाउट यू इवन नोइंग। Do you really think you are capable of anything? Don't make me laugh. Weak children like you shouldn't even call themselves trainer. I will prove to you that you are trash. Get ready. Oh, okay. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ? कर लेंगे, कोई बात नहीं. ओके, गलत पोकेमॉन सामने रख दिया. अरे यार नहीं नहीं, ये तो नहीं करना था. बट स्नोरलैक्स, आई गेस यू कैन हेल्प मी हियर. दैट्स माई बॉय. गलती से गार्डीवर फ्रेंड हो गई. ओके, अगर हम लोग गार्डीवर के साथ ओपन करते तो ऑब्वियसली वो इसको वन शॉट किल कर देती. इसका दूसरा पोकेमॉन है एक चारिज़ार्ड. गेस व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज़ आवर दिस मूव और मैं इसको स्लो मूव में आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी. एंड एज ऑलवेज, सबको पता है एलान अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता है. इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ द डाउट. ओके, द क्वेश्चन इज, ओ उसने अटैक करने का चूज़ किया. ओके एंड देखते हैं कितना ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं हम लोग. अगर चारिज़ार्ड को वन शॉट किल कर दिया इस मूव ने तो डेफिनेटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है. बट मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वन शॉट किल होगा बिकॉज मेगा चारिज़ार्ड एक्स इज़ नॉट अ टॉय. Oh damn, are you serious? Are you serious? उसने एक मेगा चारिज़ार्ड एक्स को वन शॉट किल कर दिया बेसिकली. ओके, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वो उसका आखिरी पोकेमॉन था बेसिकली. ओके, लेट मी यूज़ डार्क पल्स. यूज़ कर रहा है, प्लस उसके पास आई गेस वो भी है, लाइफ और बोलते हैं ना उसको. ओके, स्नोरलैक्स यहाँ पे सबको वन शॉट किल करने के लिए बैठा है. बट डेफिनेटली अभी वो फेंट हो जाएगा बिकॉज मुझे इतना तो पता है कि मैं पोकेमॉन ही चेंज कर लूँगा, डोंट वरी. या फिर वेट, अगर मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा तो वो उसको हर्ट करेगा. क्या मेरे को यहाँ पे रेस्ट करने का मौका मिलेगा? आई डोंट थिंक यहाँ पर मिलेगा. ओके, कोई बात नहीं. स्नोरलैक्स, तूने मेरे को बहुत इम्प्रेस किया. लिटरली तूने एक मेगा चारिज़ार्ड एक्स को वन शॉट किल किया है एंड दैट्स रियली अमेजिंग ब्रो. इसको हम लोग यूज़ करेंगे. आई डोंट नो कौन सा यूज़ करूँ मैं यहाँ पे. ये साइकिक एंड स्टील टाइप है आई गेस. एक काम करेंगे, मैं देखता हूँ किसके मूव की पावर ज़्यादा है जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने को मिले. यहाँ पे देख सकते हो इसका अटैक 203 है. फ्लेयर ब्लेड से आई गेस काफ़ी अच्छा है बिकॉज उसका डैमेज ज़्यादा है. सो आई गेस आई एम गोइंग टू यूज़ फ्लेयर ब्लेड्स. लेट्स सी. आई नो उसके साथ में मेरे को रिकॉइल डैमेज पड़ेगा बट मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता. इसको वन शॉट किल करेंगे यहाँ पर. ओके, मेरे को बहुत ज़्यादा फटका पड़ने वाला है अभी रिटर्न. ठीक है, दैट्स नॉट बैड. आई मीन ओके, इंसिनेरोर लिटरली 57 का हो चुका है, एक नंबर. और इसका आखिरी पोकेमॉन है एक उनफेसेंट. आर यू सीरियस? इसको तो मैं एक और फ्लेयर ब्लेड्स के साथ मारूंगा. ओके, गो हेड, यू कैन यूज़ ब्रेव बर्ड. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ब्रेव बर्ड का भी रिकॉइल डैमेज होता है. आई नो, आई नो. अब तो तू गया उनफेसेंट, तू गया लिटरली. फ्लेयर ब्लेड तेरे को खा जाएगा. मेरे पास ऐसे पोकेमॉन आ चुके हैं ना लिटरली. मैं लाइक स्नोरलैक्स ने चारिज़ार्ड को वन शॉट कर दिया उसके जी मूव यूज़ करके. सीरियसली कोई इमेजिन नहीं कर सकता, उतना ज़्यादा ओपी था ये बैटल. बट ठीक है, इम्पॉसिबल. यू आर नथिंग बट अ बग. ओके, हाँ उस बग ने तेरे को हरा दिया. इट सीम्स आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू. यू फॉट वेल, दैट आई मस्ट एडमिट. माई नेम इज़ एलान, अ प्लेजर टू मीट यू. Normally I don't care about my opponents, but you have shown yourself to be different. The league really won't be easy. I hope to see you there. We will have a great battle again. Now I have to go. I have one more gym to face in Capri. Oh, okay, Alan. But सही है, इसका ये भी काफ़ी strong. Hey, wait. मैं एक काम करूँगा. Actually मुझे अगर पोकेमॉन हील करने होंगे तो क्या मैं अभी कर पाऊँगा? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके बैटल्स और बाकी है. इट्स नॉट द एंड ऑफ दिस केव, सो इट्स बेटर टू हील माई पोकेमॉन. Okay, Pokemon all done. लेकिन एलान वाली बैटल सही में काफ़ी ओह ये तो रिटर्न आ गया मैं। ओके वेट ओके वेट 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 ये दैट वाज इजी आई गेस। ये तो बैटल करनी पड़ेगी मेरे को, तो कर लेंगे कोई बात नहीं। मैं पे फ्लेयर ब्लेड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आई गेस आदत हो गई है। ओह पैरालाइज कर दिया डैम। ओके थंडर स्पीड तो काफ़ी बढ़ गई है इंसिनेरोर की, बिकॉज उसने 2 बार फ्लेम चार्ज मारा है। बट गेस व्हाट, ये पोकेमॉन थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बट आई गेस अगर हमने हिट कर दिया तो ईजिली हरा देंगे, ईजिली लाइक दैट। ओके चलो आगे जाएंगे। अरे यार दीदी आपको अभी देखना था। 9 टेल्स मैं गलती से फ्लैश बिट्स फिर से यूज़ करने वाला था, बट नहीं इस बार नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है, ओवरकिल हो जाएगा। ओके अगर तुझे लग रहा है कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग मूव है तो मैं उससे ही तेरे को हिट करूँगा, डोंट वरी। आई डोंट केयर इंसिनेरोर की एचपी कम हो रही है, आई नो बट आई गेस हम लोग अभी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। आंटी आप बैटल करोगे क्या? आई डोंट थिंक आप बैटल करोगे। ये वेट यहाँ पे एक और पजल है, ये कैसा पजल था? ओके दैट वाज इजी। करेंगे बैटल करेंगे। यहाँ पे मुझे लेमोनेड मैंने बाय किया था, आई नो। ओके एक और यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है कोई नहीं। ग्रेनिंजा आई गेस अभी तुझे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा ब्रो। बैटल बॉन्ड में आ जा अपने। ओके मैं चाहता नहीं था इसको यूज़ करने के लिए, बट इस सोल रॉक ने मुझे फोर्स कर दिया यूज़ करने के लिए। अब कोई भी पोकेमॉन आए, इट डजेंट मैटर। आई गेस ये स्टडी वाला नहीं है, ओके डैम। एक काम करेंगे हम लोग अभी ग्रेनिंजा को आगे रखेंगे। भाई ऊपर आ जा, गार्डीवर तो नीचे आ जा। ओके आई होप यहाँ पे और पजल्स नहीं है। अगर आपको बैटल करनी है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरे साइड देखो। ओके थैंक यू। ओ वेट आई होप ये अच्छा हो। ये क्या है? पावर एंकलेट क्या होता है? स्पीड। ओ ओके इसको तो मैंने हरा के रखा है। इस बंदे से मेरे को बस बैटल अवॉइड करनी है ना। ओह कर भी दी मैंने। इसको भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ लाइक दैट, और इन अंकल को भी अवॉइड कर देंगे। ये क्या है? कुछ है क्या इसमें? नहीं। ओके शो पीस है वो। रिपल्स ख़त्म, यूज़ कर लेंगे एक और। आई गेस हम लोग आ चुके हैं कैप्री सिटी में। आई डोंट नो। ओ डैम अभी भी रूट 9 पे आ चुका हूँ मैं। दैट मीन्स हम लोगों को और काफ़ी लंबा रास्ता है आगे जाने के लिए। यहाँ पे मैं बैटल्स नहीं करना चाहता किसी के साथ, तो मैं एकदम धीरे धीरे आऊँगा। वेट आई गेस मैं इसको कर सकता हूँ पार। नहीं कर सकता, बैटल ही करना पड़ेगा। एक ही पोकेमॉन है। क्रिटिकल हिट डैम। कौन सी बेरी है यहाँ पे? नहीं है, कोई बेरी नहीं है। ओके, आई होप मैं सही जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, बैटल करेंगे। पता है मैंने क्यों इसका यूज़ किया? बिकॉज गीगालिप की मोस्टली स्टडी एबिलिटी होती है, तो उसको मैं अगर वन शॉट किल करने का ट्राई करूँगा तो वो नहीं होगा, इसलिए मैंने वाटर शोरिकन का यूज़ किया था। अब तो सर्फ मार के ख़त्म कर देंगे इसको। कितना रिपल ख़त्म हुआ? कोई नहीं, हम लोग मारते रहेंगे, हमारे पास कमी नहीं है। ओह, फाइनली वी आर इन कैप्री सिटी। Jesus, Sammy, you don't know what happened. I came here to Capri to challenge the gym leader, Lorena, but the people told me that she had been kidnapped by strange people. She was training on the outskirts of Capri, and some guys came and took her away. Oh, damn! So अब मैं fight किसके साथ करूँगा? We have to do something. Let's search for the location of these thugs on the outskirts of the city. I will go ahead and if you find anything call me. Good luck. Okay, so जिम लीडर को किडनैप कर लिया है। लेकिन वेट गाइस, आज के एपिसोड को एंड करने से पहले मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अबाउट दिस सिटी। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि इस जिम का सबसे इम्पॉर्टेंट, इस जिम का नहीं, इस सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको मिस मत करना। या फिर आज के एपिसोड का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सो प्लीज़ मिस मत करो। बिकॉज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, यहाँ पे एक बंदा बैठता है, ये वाला बंदा। अगर आप इससे बात करोगे, इसके पास एक ई पैच है, लाइक एबिलिटी पैच है, जो कि आपको वो ट्रेड करेगा, बट बदले में उसको 5 बॉटल कैप चाहिए। तो आई गेस मेरी सेव वाली यूज़ करोगे तो आपके पास बॉटल कैप की कोई कमी नहीं है। सो यार, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्रेड दैट ए पैच। ओके, बेसिकली इससे आप लोग अपने पोकेमॉन की रेयर एबिलिटी को ट्रिगर कर सकते हो। एंड ये सिर्फ वन टाइम नहीं है, आप लोग जब चाहे तब आप लोग अपने पोकेमॉन की लाइक हिडन एबिलिटी को ट्रिगर कर सकते हो ए पैच का यूज़ करके। सो अभी मैं वही करूँगा। ग्लिस्कर की जो हिडन एबिलिटी है पॉइजन हील, उसको हम लोग ने ट्रिगर कर दिया है। एंड गेस व्हाट, मेरे पास एक और आइटम है जो कि मैंने आई गेस आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, टॉक्सिक ऑर्ब। यूज़ नहीं करना है इसको, मेरे को इसको गिव करना है। ग्लिस्कर को हम लोग देंगे। अभी मैं बताऊँ मेरा, लाइक लिटरली मैं ये बताता हूँ मेरा प्लान क्या है ग्लिस्कर के साथ। देखो, इसकी एबिलिटी है टॉक्सिक और सॉरी पॉइजन हील, जिससे कि अगर ये पोकेमॉन पॉइजन हो जाता है तो ये डैमेज नहीं करेगा खुद को, ये हील करेगा। ओके, एवरी टर्न में ये खुद को हील करेगा। लाइक पॉइजन में कैसे हो, लाइक लेफ्ट ओवर ही है बट उल्टा है। ओके, लेफ्ट मतलब लेफ्ट ओवर ही है, हील होगा जब ये पॉइजन होगा। एंड इसको पॉइजन करने के लिए मैंने इसको टॉक्सिक ऑर्ब करके दिया है। तो ये बैटल में जैसे घुसेगा, पहले टर्न पर ये पॉइजन हो जाएगा तो इसकी हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर बात करें इसकी मूव्स के बारे में, तो शॉर्ट डांस इसका अटैक बूस्ट होगा। अगर इसको डैमेज पड़ा तो रूस्ट है रिकवर करने के लिए, और फैक्टेड एक ऐसा मूव है जो कि मैं आपको बता ही देता हूँ। एन अटैक दैट इज़ बूस्टेड इफ़ द यूज़र इज़ बर्न, पॉइजन और पैरालाइज। सो ऑब्वियसली जब ब्लैक ऑर्ब के साथ ये पॉइजन हो जाएगा तो ये जो अटैक है 170 का है आई गेस, तो वो 140 का हो जाता है, डबल पावर हो जाती है। और अर्थ के तो स्टैब बूस्ट है, स्टैब मूव है। सो बेसिकली मेरा टीम अभी काफ़ी ओपी है, यही मुझे बताना था। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, एंड आई होप आज का एपिसोड का जो वॉइस है वो आपको पसंद आया। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। पीस आउट।